डुमरी उपचुनाव में चुनावी दौरे के दरमियान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास डुमरी पहुंचे, जहां बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री में कोई है तो वे हैं हेमंत सोरेन। जब डबल इंजन की सरकार बनी तो 5 वर्ष में झारखंड में भी एक मजबूत सरकार थी, और झारखंड में जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के काम देख रहे हैं, आजादी के इतने वर्ष बाद भी बहुत सा घर में बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का था कि हर घर में बिजली जाए, हम लोग ने हर घर में बिजली पहुंचाने का काम उस डबल इंजन की सरकार में किया। उस डबल इंजन की सरकार में जो हमारी नारी शक्ति है, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, हमारी सरकार देश का पहला राज था जहां 50 लाख की संपत्ति में हमारी बहन के नाम पर कोई रजिस्ट्री होगा तो मात्र 1 रुपये में रजिस्ट्री होगा। डबल इंजन की सरकार होने से डबल बेनिफिट मिलता है। प्रधानमंत्री जी गैस सिलेंडर दिए, डबल इंजन की सरकार होने से हमने चूल्हा देने का काम किया, और एक सिलेंडर नहीं डबल सिलेंडर देने का भी काम ये डबल इंजन की मजबूत सरकार ने। वर्तमान सरकार आई, 1 रुपये का जो महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री था उसको बंद कर दिया। वर्तमान सरकार आई, गैस सिलेंडर चूल्हा देना बंद कर दिया। और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, और आपको इस गिरिडीह इस डुमरी के विधानसभा में जनता को ये बताना चाहिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झूठे लोक लुभावने वादे के साथ जनता ने आपको जनादेश दिया था। उस जनादेश में आपने जनता से वादा किया था कि अबुआ राज बनाओ, हम हर गरीब महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। अब बताओ 4 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं, चूल्हा खर्चा किसी को मिला? ये वादा खिलाफी सरकार है कि नहीं? है कि नहीं? इसका बदला आपको 5 सितंबर, उस दिन शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को ये जो 2000 रुपया हर गरीब बहन पहला का खाने का काम ये हेमंत सरकार किया। मौके पर जिला संगठन प्रभारी अमित तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी कामाख्या गिरी, भाजपा नेता सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, प्रदीप साहू समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।